नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज। दोस्तों, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक व्यक्ति की, और व्यक्ति के नाम है प्रवेश कुमार और उम्र है 40 वर्ष। और बता दें कि बड़ा ही दुखद हादसा हुआ है इनके साथ। बाइक पर ये जा रहे थे और बता रहे हैं कि ये अचानक से बाइक पर जाते हुए दूसरे बाइक चालक से टक्कर हो जाती है। और यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से मर्चरी हाउस में हम खड़े हैं, कल्पना चावला के यहीं पर, आप देख रहे हैं किस तरीके से जो गांव के लोग हैं वो फिलहाल पहुँचे हुए हैं। फिलहाल उनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर ये हादसा कैसे हुआ है। तो आपको बता दें उन्हीं के गाँव से लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से? सर, ये कैसे हादसा हुआ है पूरा थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। ये शाम के टाइम खेत में जा रहा था, पानी की वजह से। ठीक है, मोटरसाइकिल पे, अपनी बाइक पे। ठीक है, शाम एक करनाल की तरफ से एक मोटरसाइकिल जा रही थी, गेट की तरफ से रहा था। अच्छा, बीच में टकरा गया, एक्सीडेंट हो गया। तो जो दूसरे बाइक चालक है उन्हें भी चोट आई है? हाँ, चोट पता लग रहा है, उनको चोट आई हुई है। तो ये इनके परिवार में कौन कौन है प्रवेश जी के? इसकी दो लड़की एक बेटा। अच्छा, दो बेटी हैं, एक बेटा है। बेटा क्या काम करते थे? ये खेती बाड़ी का काम? खेती बाड़ी लिबर्टी में लग रहे थे। अच्छा, लिबर्टी में जॉब कर रहे थे? जी 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 जी। तो आप समझ सकते हैं कि बता रहे हैं कि लिबर्टी में ये जॉब करते थे और किस तरीके से खेतों की तरफ ये जा रहे थे और उस समय ये हादसा होता है। हालांकि तस्वीर जैसे कि हमने आपको दिखाई है उसमें ये पूरा हादसा दो बाइकों के बीच हुआ है। हालांकि इस मामले में जो है, आपको बता दें कि फिलहाल जो पुलिस है वो पूरी की पूरी जो इस मामले में जो भी कार्रवाई है फिलहाल आगे करती हुई जो है ज़रूर नज़र आ रही है। इस समय कल्पना चावला के मर्चरी हाउस में हम पहुँचे हैं जहाँ पर जो शव है वो फिलहाल लाया गया है और यहीं पर जो है फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद जो शव है परिवार को सौंपा जाना है। तो आपको बता दें गांव के जो सरपंच हैं वो भी हमारे साथ में हैं। सर, ये क्या पूरा मामला हुआ था? बता रहे हैं निकले थे घर से और अचानक से जो है बाइक चालक आता है सामने। जी, घर से चारा लेने के निकले थे, भूस भाई जो है ना उधर पानी का रुख कम चल रहा था, भी पानी आ जाए शायद ज्यादा आ जाए। जी जी। वो शाम के टाइम 7:15 के करीब खेत के लिए निकल रहे थे। जी जी जी। तो रास्ते में जो है ना पुल से आगे जाके पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के अपोजिट वो इधर से जा रहे थे खेत की तरफ और करनाल से तेज रफ्तार से जो है ना एक बाइक सवार थे जो, ठीक है, तो वो इसमें टकरा के जो है ना तो वहाँ पे ये हादसा हुआ। ठीक है, ठीक है। तो फिलहाल उनका जो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी लाई गई है यहाँ पे अभी फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए आए हुए हैं। जी 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 जी। तो फिलहाल बहुत ही दुख की बात है उस परिवार के लिए, आप समझ सकते हैं जिनके व्यक्ति वो देखने गए थे कि कहीं पानी जो है वो खेतों में तो नहीं आ रहा, क्योंकि इन दिनों में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और गांव के गांव जो है वो तबाह हो चुके हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। तो ऐसे में किसान जो हैं वो भी वो साथ में हैं और साथ में साथ वो एक प्राइवेट जॉब भी करते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल बहुत ही जो है दुखद खबर है उस परिवार के लिए जिसमें जो व्यक्ति हैं उनकी जिस तरीके से मौत हो जाती है, उम्र भी कम है, बच्चे भी जो हैं वो छोटे हैं अभी। तो ऐसे में फिलहाल ये ज़रूर है कि हम यही कहना चाहेंगे उस परिवार को फिलहाल हिम्मत मिले जिनके परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो आप सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और लोगों से भी अपील करेंगे कि आप अपनी गाड़ी को जो है थोड़ी कम स्पीड पर चलाएं, धीरे चलाएं, क्योंकि लगातार जो है सड़क हादसे जो होते हैं वो तेज़ रफ्तार की वजह से ही होते हैं। और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं तेज़ रफ्तार, जो कि दूसरा बाइक चालक तेज़ रफ्तार में जो कि बताया जा रहा है था, और उसे भी जो है बता रहे हैं बहुत ज़्यादा चोटें फिलहाल लगी होंगी। लेकिन यहाँ पर जो इनकी जो है फिलहाल जिनकी आप देख सकते हैं उनके परिजन वहाँ पहुँचे हुए हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को और यही कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग जो हैं वो अपनी व्हीकल को कम से कम रफ्तार पर चलाएँ ताकि वो कंट्रोल हो सके। तो सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें, फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।